गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखते क्लास बी सेकेंड ईयर। टॉपिक है मांग की लोच और कर भार विवर्तन। मांग की लोच, लोच का मतलब होता है बाजार का घटना वर्णन। यदि रस्सी होती है उसमें कितना झूल होता है, कितना ऊपर कर बढ़ता है, इस तरीके से ये रस्सी सीधी खींची हुई है, इसी रस्सी में और पानी का कितना झूल इसमें आता है, ये लोच के दायरे में आता है। मार्केट में कितना महंगाई कितने ज्यादा, इस तरह के लोच को बोला जाता है। कर भार, जो कर भार का भार लग रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, विवर्तन मतलब कैसे उसको बांट रहे हैं। इसमें एक पहला किया हुआ है वो है पूर्णतः मौजूदा माल, मतलब पूरी तरीके से लोच है, पूरी तरीके से इसमें झूल है, वो टाइट नहीं थी, मार्केट बहुत तरीके से चल नहीं रहा, एक सिर्फ स्पीड से चल रहा है बन का मार्केट। चलिए देखते हैं, यदि वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार है तो कर भार पूर्ण रूप से विक्रेता का वो सहन करना पड़ता है। अगर पूरी तरीके से मार्केट से जो चल रहा है, जो कर भार है वो जो बेच रहा है उसी के लिए ही भरपाई करनी पड़ती है। अगर मार्केट स्ट्रिक्ट चलेगा इस तरीके से, मार्केट जैसे अभी चल रहा है बनका एक रुपये चीज तीन रुपये मिल रही है बन की, तो टैक्स भरने उसको आसान होती है क्योंकि पैसा वहां से आ रहा है। अगर वो सस्ता बिकेगा तो वो टैक्स नहीं भर पाएगा, कर भार नहीं दे पाए, क्योंकि मूल्य वृद्धि द्वारा कर भार का विवर्तन वस्तु की मांग को शून्य कर देता है। मतलब कि जो कर होता है अगर ज्यादा लगाया जाता है तो वस्तु की मांग को लगभग, मतलब कि मांग देनी शून्य कर देती है, मार्केट बंद हो जाता है, कारोबार खत्म हो जाता है, जिससे विक्रेता का माल बिना बिके रहने से घाटे की संभावना होगी। और जिसमें मतलब क्या तात्पर्य है कि अगर चीजें नहीं बिकेगी तो घाटे की संभावना आ जाएगी, इससे संलग्न एक चित्र मतलब समझ सकती है। चलिए देखते हैं चित्र क्या है। इसके अनुसार वस्तु की कीमत और मांग एवं पूर्ति मात्रा, मांग पूर्ति एवं मात्रा। इस पर हम देखेंगे रेखा जो डीडी बता रही है, ये अपने ग्राफ को बताती है पूर्ण कीमत, वस्तु की कीमत कितनी आगे की ओर बढ़ेगी। इसके अंतर्गत बिंदु के माध्यम से यहां पर देखेंगे जस्ट इसको हम ओ मानते हैं, क्यू वन क्यू यहां पर डी, इसके आगे तक चलेंगे मेन पार्ट से होते हुए एस की बात आगे आ गए इसको ये देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यहां पर जो एस वन और एस पर ग्राफ यहां से खींच का चक्रा बन रहा है यहां से, तो ई क्यू वन बराबर डी ओ बराबर होगा, मतलब कि जितनी आप वस्तु कीमत है उतनी यहाँ पर भी कीमत है, मतलब कि मार्केट में बनता है चल रहा है। अभी लोटे से ना देखेंगे तो एक वस्तु दो रुपये महंगी चल रही है, तीन रुपये महंगी चल रही है, इसी स्थिति में चल रही है बन की यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ चीजें कम होने के कारण से यहाँ पर मार्केट में चीजें एक ग्राफ यहाँ का ग्राफ भी ना दे सकते हैं, एक्स इसको एक्स हमारे ग्राफ का नाम दे देते हैं। अब यहां से खिसक कर थोड़ा पीछे को आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बिंदुओं से पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि जो कीमत है उसकी वो तो सेम चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो मात्रा पूर्ति हो रही है वो घट करके यहां से यहां तक आ गया। इसमें आप क्या करते हैं कि ई क्यू बराबर डी ओ हो जाता है इन दो मात्रा को। इसमें देख सकते हैं कि मांग और पूर्ति में कितना डिफरेंस आ गया था, लेकिन कीमत क्या कर रही है बराबर चल रही है। ये होता है पूर्ण तया लोचदार।
इस तरह से एक रस्सी खींची हमने, रस्सी स्ट्रिक लगी हुई है, तो इस आप लगा सकते हैं कि इस पर कौन कितना ही भार अगर लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। और जरा सी इसमें अगर लोड आ गया इस तरीके से, तो जो इस पर रखेंगे वो चीजें बहुत सही तरीके से नहीं रखी जा सकती। ये होता है पूर्णतः रोजगार मांग। इसको मतलब कि जो मांग कर रहे हैं, इसमें क्या मांग छोटी सी इनकम होगी लेकिन कीमत क्या होगी इसकी बाकी है। एक क्विक पॉइंट, इसमें कीमत नहीं घटी हुई है, इसमें केवल मांग क्या होगी कम हुई है। जब कर हमारे क्या होता है, कर भार जैसे इंसान के ऊपर रखा रहता है, वो चीजों की मांग करना बंद कर देता है। तो क्या होता है, कर भार विवर्तन में लिखा है कि मांग की लोच और कर भार विवर्तन होता है। ठीक है, ये टॉपिक नहीं था आज नहीं, थैंक यू। लेकिन नहीं कर पा रहे आप।